सरकार प्रदेश भर में करोड़ों के खर्च से गौशालाएं खोलकर लावारिस गौवंशों के लिए आशियाना तो दी है, किंतु अब गौवंशों के नाम के दाना भूसा पर कई लोग अपनी जेब गरम कर रहे हैं। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। ऐसा ही ताजा मामला कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत ढूला का है, जहां शासन द्वारा निर्मित कृष्ण गौशाला में चल रही भ्रष्टाचार की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा की गयी, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी आजीविका मिशन द्वारा संचालित नारी जन चेतना स्वयं सहायता समूह भूला के द्वारा किया जा रहा है। गौशाला में गौवंशों की देखरेख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर तथा वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर है, और पंचायत सचिव द्वारा मनमाने तरीके से अपने ही संगे संबंधियों भाइयों की फर्म बनाकर गौशाला व ग्राम पंचायत में मनमाने तरीके का बिल लगाकर भुगतान कर लिया जाता है। शिकायत और आपत्ति के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जब गौशाला का संचालन शुरू तब लगभग 100 जानवर थे, किंतु आज 8 से 10 जानवर ही हैं। फिर भी बिल पास किया जा रहा है। उक्त विषय पर पंचायत सचिव का कहना है कि हमारे द्वारा ग्राम पंचायत में अनुमोदन पास कर गौशाला को बंद करने को कहा गया है। गौशाला के बंद होने पर उसमें रह रहे जानवर कहां जाएंगे, इस विषय पर सचिव साहब के पास जवाब नहीं है। ग्राम के ही प्रकाश सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि जब गौशाला का संचालन शुरू हुआ तो गौशाला में लगभग 100 जानवर थे, और आज वर्तमान समय पर किसी जानवर का कोई पता नहीं है। जो जानवर बचे हैं वह सब लावारिस घूम रहे हैं। गौशाला में लगे सब पंखे लाइट निकाल के लिए गए, और पंचायत सचिव अपने भाई के गुप्ता एंटरप्राइजेस नाम का फर्म बनाकर 110 ट्राली दाना भूसा सप्लाई करने का बिल पास करा लिया, जबकि मौके पर एक ट्राली भूसा उपलब्ध नहीं है, जिसकी शिकायत हम लोगों के द्वारा जिला पंचायत कटनी में की गई, किंतु कोई जांच नहीं हुई है। गौशाला का संचालन कर रही नारी जन चेतना समूह की सचिव रीना बाई द्वारा बताया गया कि अभी वर्तमान में कुल 8 जानवर हैं। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, गौशाला में लाइट कट चुकी है। बिल कौन जमा करेगा इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। जानवरों के चारा पानी का भुगतान 7-8 माह से नहीं हुआ है। जो है आपको जो है इनको जानवरों के चारा पानी के लिए पैसा कितने माह से भुगतान नहीं हुआ है? 7-8 माह से नहीं हुआ। ये कब से चल रहा गौ सेवा? 19 अगस्त 2020 से जो है संचालित हो रहा है, और अभी तक जो है उसमें तो अभी तो एक ही साल हुआ। फिर हाँ, तो एक साल में 7-8 महीने से आपको भुगतान नहीं हुआ। नहीं, अगस्त बता तो रहे ना, तो अगस्त एक साल हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए ठीक है। अपना नाम बताइए। संदीप अग्रवाल। आप क्या पद है आपका? पंचायत सचिव। कहाँ से? ग्राम पंचायत ढूला। अच्छा, ग्राम पंचायत ढूला के जनता ने आपको बहुत सारी शिकायतें दी है, जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया है। इस संबंध में कि सबसे पहला तो जो गौ सेवा गौशाला पर निर्माण हुआ है वहाँ जो है आपके द्वारा सप्लाई किया गया है किसी गुप्ता इंटरप्राइजेस से। ये गुप्ता इंटरप्राइजेस किसका है? गुप्ता इंटरप्राइजेस मेरे छोटे भाई की फार्म है। अच्छा, क्या ये जो है पंचायत में ये नियम है कि अगर कोई सचिव अपने सगे संबंधियों की दुकान का बिल लगा के पास करे? देखिए, सगे संबंधियों से मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, काम करने से। मेरे छोटे भाई के मेरे पारिवारिक संबंध है, बाकी उसका व्यापार अलग है, रोजगार। सगा छोटा भाई है कि कौन है आपका? छोटा भाई है, पारिवारिक है। तो पारिवारिक है तो आप कभी बिल जो है काटने में कभी इसमें जो है आप कोई दिक्कत तो नहीं करते हो? क्योंकि चूंकि भाई है आपका। नहीं, उससे क्या करना, हमने जितना काम करा तो उसका पेमेंट किया। और महिलाओं ने ये बताया कि उन्होंने बोला था कि 500 रुपए में ही आपका जो है वो भुगतान किया जाएगा भाड़े का, मगर आपने मनमानी तरीके से 1000 रुपए अपना पास कर लिया। ये गलत है। अच्छा, और गांव में जो है बहुत सारी गांव में जो है एक भवन निर्माण दो जगह हुआ है जिनका अभी पूरा जो है निर्माण नहीं हुआ है। एक जगदीश सिंह करके हैं और एक और व्यक्ति का नाम है, तो उनका अभी छत नहीं बना है और उनकी पूरी राशि आहरण कर ली गई है। प्रधानमंत्री आवास आप बोल रहे हैं? हाँ। ये मेरे कार्यकाल की नहीं है, ना मेरे द्वारा इनकी जियो टैग की। अच्छा, और ये जो निर्माण कार्य चल रहा है ये लगभग कितने लाख का है? 5 लाख का है। इसमें कुछ अभी पैसे का भुगतान हुआ कि नहीं? प्रथम किस्त 2.5 लाख रुपए भुगतान की गई। अच्छा, तो किसको की गई है भुगतान?
जिससे माल की है एसके ट्रेडर्स, गुप्ता इंटरप्राइजेस। अच्छा, और प्राय ये देखने में आ रहा है कि सारे जो है माल जो है आप गुप्ता इंटरप्राइजेस से ही ले रहे हैं, अगर बिल की जांच की जाए, क्योंकि वो आपका भाई है। भाई से मतलब नहीं है, रोज जैसे आपने गौशाला का बोला, गौशाला में हमने काम किया अगस्त माह से, समझिएगा अगस्त से लेकर मार्च तक का शासन से पैसा आया, पहले एक किस्त आई अगस्त माह की, फिर आई सितंबर अक्टूबर की, फिर अभी पिछले माह आई है सितंबर में मार्च तक की। आप ये बताए कौन व्यापारी जो इतने दिनों तक हमें उधार देगा और काम करेगा? नहीं तो उधार जो है वो बात चलो ठीक है, हर चीज में देख रहा हूँ गुप्ता इंटर, आप ये बताइए, चलिए ठीक है, वहाँ से गुप्ता इंटरप्राइजेस से आप ले रहे हैं ईंट, क्या रुपए टाली आप खरीद रहे हैं गुप्ता इंटरप्राइजेस? 6,000 रुपए टाली, 7,500 के आपके बिल लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर चार्ज, ये सब अलग से लगता है? नहीं, 6,000 रुपए टाली के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और लेबर चार्ज अलग रहता है? नहीं, उसमें उनने पहुंचा के हमको स्पॉट पर माल उपलब्ध कराया है। और दूसरे लोग अगर 6,000 में देते हैं तो उनसे लेंगे, वो हमारी सर पर। आपका ये आप गौशाला का संचालन आपका ही समूह करता है? जी। आप समूह में क्या है? अभी जो है गौशाला में कितने जानवर होंगे? 90। अभी कितने गाय, कितने बछिया या बैल, छोटे बड़े कितने हैं सब? छोटे छोटे बछड़ा कुछ की माँ मर गई हैं, तो अभी 8 हैं। 8 हैं। अच्छा, उनके चारा पानी का व्यवस्था जो है कैसे हो पा रहा है अभी? लाती हूँ, खवाती हूँ। कहाँ से? काटते हैं यही चारागाह जो लगा है, भूसा खरीदे तो भूसा खिलाते हैं, ब्रेदी जाता है सुबह चराने। नहीं तो उसके सामने जो चारा वो लगा हुआ है वो तो बहुत दिन से कटिंग नहीं हुई होती है, डेली काटते हैं। अच्छा, 3 लोग डेली हाथ ये ले जाते हैं, डेली के काट काट खिलाते हैं उनको चारा। अच्छा, और वहाँ गौशाला में बहुत सारे जो है जानवरों के लिए पंखे और सबकी व्यवस्था थी, पीने के पानी की व्यवस्था थी, तो वो सब कहाँ? लाइट भी काट, लाइट काट दिए है। कौन काट दिया है? पानी की व्यवस्था, लाइन मैन काटा होगा भाई, बिल ना चुका होगा तो लाइन मैन काटे। नहीं तो उसका बिल जो है क्यों नहीं चुका है? मालूम ही नहीं है कि कहाँ से बिल आ रहा है, बोना है। अच्छा, आपको हमको सूची नहीं मतलब दिया गया कि गौशाला से, यानी तुम ही लोग करोगे ना? हम सब जानकारी नहीं है कि पंचायत देगी कि गौशाला देगी, कौन देगा इसका बिल? अच्छा, तो आपने अपने विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी है नार आलम को कि यहाँ पे लाइट बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे पानी आने की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायत में बोलते नहीं, 100 जानवर जो है उनको पानी कैसे पिलाते हैं जब बोर नहीं चल रहा है, तो मशीन नहीं चल रही, तो तालाब लाते हैं, तालाब डेली। ठीक है, और अभी आपके पास भूसा कितना रखा होगा? एक टाली जो है कितने दिन है? कितने दिन जानवर खा लेगा उसको, ये बताइए? शाम को भूसा डालते हैं, दिन में चराने ले जाते हैं। तो वो जो चराने ले जाते हैं तो वो भी मजदूर लगे हैं, कोई और लगा है? समूह ही डाला। चलिए ठीक है, नहीं तो मगर गांव वाले आरोप लगाए हैं कि 3 महीने से जो है समूह उसके गौशाला को बंद करने का प्रस्ताव पास हो गया है और उसके बाद भी भुगतान हो रहा है। गांव वाले ये कह रहे हैं कि ये गौशाला बंद कर दें, ये चलवाए ना। कौन चलाएगा, उनसे आपने नहीं पूछा? गांव वाले डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हमसे करते नहीं है, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कहीं यहाँ शिकायत कर रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि जानवरों को, गांव वालों का कहना है कि जानवरों को चारा पानी नहीं मिलता है, आप लोग छोड़ देते हैं और सभी के खेतों में जाके वो चरते हैं। खेत में नहीं जाते, क्या नाम है चरवाहे? संत लाल यादव। नहीं, तो जो जानवर आपके पास लाके छोड़े गए थे उनकी सूची है आपके पास, कितने जानवर आपने पाल के रखे थे? कुछ थाने से भी जानवर आए थे 2-3 महीने पहले, वो सब जानवर हैं अभी? नहीं, उसमें से 15 नंगल मर गए। तो उसकी सूची है जो मरे हैं? अच्छा, चलिए ठीक। और कुछ है आपका? प्रकाश सिंह ठाकुर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत भूला जी। और हमारा ये निवेदन है, हेलो, सचिव साहब से भी बोले थे कि भैया आप यहाँ की व्यवस्था करवाएं, 4 माह से बंद है ये गौशाला, और इसका मान लो आहरण कर लेते हैं अपने ही अकाउंट में, मान लो अपने दुकान के ही खाते में पैसा डाल के, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ
तो एक भी भूसा नहीं, एक टाली है, जबकि 120 चक्कर का ये मान लो बिल लगाए हैं। अच्छा, ये गौशाला में लगभग कितने ढोर रहते थे पहले? पहले इसमें 100 नंग रहते थे, 30-40 नंग करीब बैल रहे, और इनकी कोई जान ही काली नहीं है। अभी आप देखोगे तो अभी एक भी नहीं, एक भी नहीं। 100 नंग जानवर कब रहते थे? ये मार्च के पहले। अच्छा, तो उसके बाद सारे जानवर कहाँ गए, इसकी है आपको जानकारी? वो भी जानकारी अब समूह बताएगी, कहाँ बताएंगे। हाँ, इसका संचालन कौन करता था? इनका संचालन नारी जन चेतना समूह करती थी। कहाँ की है नारी जन चेतना समूह? भूलई पंचायत की है। अच्छा, यानी जो महिलाओं वाला समूह था वो संचालन करता था जी। तो उनकी खाने पीने की जो व्यवस्था रहती थी जानवरों की, उसका देख रेख कौन? समूह वाले करते थे। तो अभी सारे जानवर कहाँ चले गए? वही तो एक भी जानवर नहीं, जानवर नहीं है ना ही यहाँ। ये एक वो रखे हैं यहाँ तकवार, ना तो वो तकवार है ना जानवर है, सब व्यर्थ भागते हैं। किसान लोग गांव के शिकायत भी करते हैं कि ये गौशाला के ढोर हमारी धान चरते हैं और इनका कोई रख रखाव नहीं है। जैसे ही पैसा आता है तो यहाँ टूट पड़ते हैं, मतलब पैसा के लिए कि इनके। अच्छा, आपका कहना यह है कि पैसा इसके बाद भी यहाँ पे गौशाला के नाम पे आता है? जी आता है, दो तीन बार आ चुका। अभी 288 आया था, तो उसमें ये सचिव हैं जो संदीप अग्रहरी, इन्होंने अपने कौन है, ग्राम पंचायत सचिव हैं, गौशाला सचिव हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं। अच्छा, तो वो बिल लगा लिए अपने ही दुकान के। किस नाम का बिल लगाए हैं? गुप्ता एंटरप्राइजेस का। किस चीज का बिल लगाए हैं? 120 चक्कर मान लो भूसा चारा आया, जबकि अभी एक टाली भी भूसा है यहाँ अभी है। मान लो अगर 120 चक्कर का अगर आएगा तो गोदाम पैक हो जाती है। और चार महीने जो बंद था वहाँ 15 अगस्त को वही समूह नारी जन चेतना समूह की खुद मीना भाई और रीना जो सचिव अध्यक्ष हैं वो खुद प्रस्ताव पारित करवाई थी कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम नहीं चलाएंगे। इसके बाद उसके बाद फिर पैसा आया है तो वो पैसा वो अपने में ट्रांसफर करवाए, वो ही दस्तखत किए हैं, उनका ही बिल लगा है, तो फिर सचिव में ट्रांसफर करवाया गया है। अच्छा, तो इसकी आपने कहीं शिकायत की है? जिला पंचायत में किए थे, कोई कार्रवाई नहीं होती। कितने दिन पहले कर लगभग किए थे आप? वो कागज है ना सर, इसमें 28/9/2021 ये है 28/9/2021। अच्छा, आपने शिकायत भी किया था मगर कलेक्टर की तरफ से और जिला पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? चलिए ठीक है। पंचायत भूला के निवासियों का शिकायत है, वहाँ पे आजीविका मिशन द्वारा संचालित एक गौशाला है जिसमें बहुत सारी गायें रहती हैं। आज की डेट में ना वहाँ भूसा है, ना चारा है, ना गायें हैं। और सहायक सचिव जो सचिव है वहाँ पे, वो सचिव जो है मनमाने तरीके से अपने ही भाई के नाम की फर्म बना के पूरे पंचायत में बिल लगा के पास कराता है। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अभी आपने मुझे बताया है और आपने जैसा कि अवगत कराया है कि कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई है, निश्चित तौर पे वो हमने जनपद पंचायत के सीईओ को जांच के लिए भेजा भी है, और जैसे उसमें जो भी तथ्य आएंगे विद इन वीक में अगर उसमें जो भी जांच में रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, और जो आप बता रहे हैं कि घोटाला किया है तो उसकी वसूली भी। सर, क्या पंचायत में ये नियम है कि अगर कोई पंचायत सचिव है वो अपने सगे संबंधियों का कोई फर्म बना के और उसी पंचायत में बिल पास कराए? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई नियम होंगे, लेकिन अगर ऐसे कोई उसने कार्रवाई की है जो कि गलत है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।